नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पहले हमारी जो दो वीडियो आई थी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थर्ड। ठीक है, तो यहाँ इस बात को देखना और कौन से किस तरीके ये पार्ट थर्ड होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ डिस्कस करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंजंक्शन, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं दोस्तों। एक तो ईदर और, यानी एक तो ईदर और यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक है हमारे पास नेदर नोर, और एक हमारे पास ये नॉट ओनली और यहाँ पर है बट ऑल्सो। यानी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा, हमारे पास इधर और, नीदर नोट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब देखो काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी किताबों में ये दे रखा है कि इधर और कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन दोस्तों केवल और ही है, नोर ही है, और क्या आ रहा है, केवल बट। ये बात ध्यान रखना कि कंजंक्शन इधर, नीदर, नॉट ओनली, इट इज नॉट अ कंजंक्शन। कंजंक्शन दोस्तों हमारे पास और, नोर और केवल बट ही है। ये वर्ड समय के अनुसार, जैसा सेंटेंस होगा फंक्शन के अनुसार, वो अपना नाम बदल लेते हैं। ये जो वर्ड है ये कंजंक्शन ही हुआ करते हैं। ठीक है, हालांकि फंक्शन तो इनके अनुसार भी बदलते हैं। इंग्लिश में जैसा फंक्शन होता है वो वर्ड उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके सामने, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर इधर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन लिखा मैंने इधर इधर राम और आई ईच एम आर और गोइंग टू वॉच और मूवी, गोइंग टू वॉच मूवी। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने कहा इधर राम और आई इज एम आर गोइंग टू वॉच मूवी, और यहाँ ए और लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है ये जो है इधर, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, और। देखो इधर और का मतलब होता है, इधर और का मतलब होता है या तो या, यानी या तो राम या फिर मैं। यानी इधर और का मतलब कह रहा है कि या तो राम और आई, या तो मैं जाऊंगा फिल्म देखने जा रहा हूं, या फिर राम जा रहा है, या तो मैं जा रहा हूं या फिर कौन जा रहा है, राम। यानी कहने का मतलब, यहां जब भी इधर और, निधर, नोर से इन सेंटेंस से कभी सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इसमें ऑप्शन हुआ करता है। ऑप्शन का मतलब है किसमें से जाने वाला केवल एक है, यानी या तो राम जाएगा या कौन जाएगा, आई। क्या आप बता सकते हो इसमें कौन जाएगा, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि इधर राम और आई, यानी या तो राम या फिर मैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ ऑप्शन है, या तो राम ही जाएगा या फिर मैं जाऊँ। यानी कुल मिलाकर जिन सेंटेंस में आपको ऑप्शन मिले, यानी यहाँ क्लियर नहीं है कि यहाँ जाएगा कौन या जा कौन रहा है, यहाँ पर क्लियर नहीं है जा कौन रहा है, क्योंकि यहाँ पर और है, और का मतलब ऑप्शन। ये जो और नोर होते हैं दोस्तों, और नोर, और नोर, ये हमेशा ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, ऑप्शंस को। यहाँ पर दो ऑप्शन बन गए, एक तो राम और एक कौन आ गया, आई। यानी या तो राम या फिर आई। जब लाइफ में जब भी कभी सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट या तो और या नोर से जुड़े, जब दो सब्जेक्ट और नोर से जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर और या फिर नोर, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो उस जिस सब्जेक्ट से सबसे नज़दीक है। मैं ये बात करना चाहूँगा, वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है जिसके सबसे पास है। यानी वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करो, वर्ब जिसके सबसे पास है। तो यहाँ पर वर्ब आ रही है, और यहाँ पर दो सब्जेक्ट इधर और, यानी राम और आई, इधर राम और आई, और से जुड़ा हुआ है। तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। तो वर्ब के सबसे नज़दीक कौन है,
आई, और आई के अकॉर्डिंग इज नहीं ना ही आर, आंसर क्या आएगा? ए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा नीदर नीदर मनोज नोर हिज ब्रदर हिज ब्रदर्स हैज या हैव फिनिश्ड दिस वर्क। आपके पास फिर एक दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर देखना दोस्तों, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, यानी एक तो इधर मनोज और नोर हिज ब्रदर्स, नीदर मनोज नोर हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पर आ रही है वर्ब। आपको मैंने बताया था जब भी दो सब्जेक्ट और नोर से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है जो वर्ब के सबसे पास है। तो वर्ब के सबसे पास जो है वो कौन सा आ रहा है? हिज ब्रदर्स। तो हिज ब्रदर्स दोस्तों प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर ना करके आएगी प्लूरल। यहाँ नंबर तीन पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा नॉट ओनली द टीचर्स और बट ऑल्सो द पेरेंट्स, यानी प्रिंसिपल। मेरी बात को ध्यान से ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल और वोज, या फिर दोस्तों वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, तो यहाँ भी वर्ब यूज करेंगे, या तो सिंगुलर करेंगे या किसका क्या करेंगे, प्लूरल। तो एक नॉट ओनली का मतलब समझिए, नॉट ओनली का मतलब ना ही टीचर, ये टीचर की तो बात ही नहीं गया, नॉट का मतलब नहीं, यानी नॉट ओनली द टीचर, यानी टीचर की तो बात ही नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा। नॉट ओनली द टीचर यानी टीचर की तो बात ही नहीं कर रहा, तो बात किसकी हो रही है? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है तो दोस्तों वर नहीं क्या आएगा? वोज। यानी कहने का मतलब जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ देखना है इस अवस्था में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं जो सबसे नज़दीक हो। यानी जब दो सब्जेक्ट और नोर से जुड़ा करते हैं तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। लेकिन नॉट ओनली और बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है और ऑप्शन में हम क्लियर नहीं कर पाते तो वहाँ वर्ब डिसाइड करेगी जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, नॉट ओनली तो पहले इसको कहकर कह रहा है कि नॉट ओनली द टीचर्स, टीचर की तो बात ही नहीं है, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वोज। यानी जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब हमेशा बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जब और नोर के अकॉर्डिंग जुड़े तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो वर्ब के सबसे नज़दीक है। इस बात का ध्यान रखना और मेरी बातों को नोट करना। एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे और इसको उतारेंगे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया, इधर यू और शी हैव बीन सेलेक्टेड, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है नीदर Neither the principal
principal, nor the teachers, nor the teachers is are coming here. एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा गया, नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर एज आर प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने इधर यू और शी. तो मैंने बताया था दोस्तों, जब भी दो सब्जेक्ट या तो फिर और से या फिर किससे जुड़े, नोर से. यहाँ पर और नोर केवल किसको जोड़ते हैं, ऑप्शंस. ऑप्शन यहाँ दो हैं, यानी इस काम को करने वाले दो में से कोई एक है, क्योंकि इधर यू और शी. तो इसका मतलब है कि वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो वर्ब के सबसे नज़दीक है. तो वर्ब के सबसे नज़दीक दोस्तों क्या आ रहा है, शी. तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो हैव नहीं, क्या आना चाहिए, हैज. फिर देखना नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, तो यहाँ पर भी नीदर और नोर से जुड़ा हुआ है. तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो वर्ब के सबसे नज़दीक है. तो दोस्तों वर्ब के सबसे नज़दीक तो कौन आ रहा है, इज और आर. और इज आर के वर्ब है, इज वर्ब के सबसे नज़दीक कौन है, टीचर्स. तो टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज ना आकर किसका यूज करेंगे, आर का. यहाँ पर नॉट ओनली, मैंने बताया था नॉट ओनली, इसका मतलब इसका तो जिक्र ही नहीं चल रहा भाई. ये खुद कह रहा है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की तो बात ही मत करो, अब किसकी बात करें, बट ऑल्सो द टीचर. तो टीचर यहाँ प्लूरल है, अब प्लूरल है तो वर्ब इज नहीं, क्या आने चाहिए, आर. भाई ये तो इनकार ही कर दिया कि नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स. जब इनकार ही कर रहा है तो सब्जेक्ट केवल क्या बचा, टीचर बचा. तो टीचर हमारे पास दोस्तों, सॉरी, टीचर हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर. तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको कन्फर्म सही है, समझ में आ गई होगी. तो इधर और नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमारे सेंटेंस यानी बहुत बार शुरू होते हैं. ये जो सेंटेंस होते हैं बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इधर और नीदर नोर से. तो एक बार स्क्रीनशॉट लें. चलिए चलते हैं आगे. तो ये हमारा इधर और से सिस्टम था और बार बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे. यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यहीं से होती है, ठीक है. अब यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ देयर. दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ देयर का. यहाँ पर बात मैं कह रहा हूँ देयर, यहाँ पर देयर. अब देयर जो होता है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड. अब ये बात को ध्यान से समझना, मैं दो तरीके से काम कर रहा हूँ. देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है. दूसरा दोस्तों, देयर जो होता है अगर ये प्लेस बताता है तो ये एडवर्ब भी कहलाता है. यानी कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ देयर जब भी होती, अगर देयर की पोजिशन वर्ब के बाद है तो ये एडवर्ब कहलाएगा, अगर देयर की पोजिशन वर्ब से पहले है तो वो इंट्रोडक्टरी वर्ड. किसी भी हालात में दोस्तों देयर सब्जेक्ट नहीं होता. देयर किसी भी हालात में अगर वर्ब के बाद मिलेगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा, अगर वर्ब से पहले मिलता है तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड. यानी कहीं ना कहीं इसका कोई लेना देना नहीं सब्जेक्ट से, ठीक है. अब एक बात लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोस्तों ये लिखा कि देयर इज या आर वन स्टूडेंट इन द क्लास और इन द क्लास. अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ब आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब. और यहाँ पर क्या आ रहा है, देर. आपने तो यही पढ़ा होगा कि वर्ब से पहले दोस्तों क्या आया करता है, सब्जेक्ट. क्लियर है. लेकिन देयर, ये जो देयर है ये इसका मेन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देयर जो होता है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है. अब ये इंट्रोडक्शन किसका करवा रहा है, वर्ब के बाद आने वाले नाउन का. तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज ना कर वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग यूज करो. तो वन स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ आर नहीं आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, इज. दोबारा देखिए, मैंने कहा देयर इज या आर 5000 रुपीज
in my pocket. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्ब आ रही है इज और आर। अब इज और आर दोस्तों वर्ब है, तो आपको पता है वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब ये देयर तो अपने आप में सब्जेक्ट है ही नहीं, अरे देयर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों देयर अपने आप में क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड। अब सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के बाद, यानी 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज, 5000 रुपये, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो इज नहीं, क्या आना चाहिए, आर। यानी कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर के बाद जब भी वर्ब आती है तो ये जो उसके बाद जो नाउन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग यूज किया करो, न कि देयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होता। देयर से जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो उसके बाद वर्ब मिले तो नाउन वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आता है जो उस वर्ब के पास हो, नज़दीक हो, यानी उसी जो वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, यानी या तो प्लूरल होगा या फिर ये सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। इस बात को नोट करें। तो देयर से आपके सेंटेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो एक बार नोट करें, आगे चलते हैं। एक तो ध्यान रखना इधर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक देयर वाला क्वेश्चन और एक एंड से संबंधित क्वेश्चन है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत बार बार पूछा जा रहा है, तो ये नोट हो गया होगा। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, यहां पर केवल केवल कुछ वर्ड हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं मोर देन वन, और एक दोस्तों लिखा मैंने मोर देन टू या फिर थ्री, कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर, मोर देन वन और मोर देन टू या थ्री, ठीक है। अगर मोर देन के बाद अगर वन आ रहा है तो दोस्तों यहां से नाउन संबंधित एरर होती है, तो ध्यान रखना उसके बाद सिंगुलर नाउन है, आपको ये लगेगा यहां बात प्लूरल की जा रही है। अगर मोर देन के बाद वन आ रहा है तो सिंगुलर नाउन आएगा दोस्तों, और सिंगुलर ही हमारे पास क्या आएगी, वर्ब। इस बात का जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर मोर देन के बाद वन से टू थ्री फोर अगर ये आता है तो प्लूरल तो नाउन होगा, और दोस्तों प्लूरल ये क्या होगी, वर्ब। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये सब वन के अकॉर्डिंग ही यूज होते हैं, न कि मोर देन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। मोर देन तो डिग्री बढ़ा रहे हैं, और डिग्री से कोई लेना देना, नंबर का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ ये मोर देन है, ये केवल डिग्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्ड तो हमारे पास कौन है, वन। तो वन दोस्तों सिंगुलर है, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब यहाँ देखो देन के बाद टू थ्री आ रहा है तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या, प्लूरल। क्वेश्चन देखना, मैंने कहा दोनों क्वेश्चन There is या are more than one student or in the class. क्लियर है? अब आपको पता है कि देर से शुरू होने वाला सेंटेंस जब भी होता है तो वो देर सब्जेक्ट नहीं होता। अब सब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर वर्ब आ रही है, तो वर्ब को तो सब्जेक्ट जरूरत है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, वो मोर देन वन, ये मोर देन है, ये केवल डिग्री बढ़ाया करते हैं, इनसे नंबर का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, वन, वन आ रहा है तो स्टूडेंट भी क्या आ रहा है, सिंगुलर। जब वहाँ सिंगुलर आ रहा है तो यहाँ पर आर आने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, इज। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं ये कहूँ मोर देन टू और स्टूडेंट, या अगर दो ऑप्शन लिखना चाहूँगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, और वोज यवर प्रेजेंट इन द क्लास, ये लो। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर मोर देन केवल डिग्री बढ़ाता है किसी चीज़ की संख्या को, और डिग्री ही बता सकता है, इससे
सब्जेक्ट पर नाउन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि नंबर क्या है हमारे पास, टू। अब टू आ रहा तो टू प्लूरल है, प्लूरल तो यहाँ सिंगुलर नहीं आया, टू आ रहा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्टूडेंट्स। जब यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ पर वोज नहीं दोस्तों, क्या आएगा, वर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, मैंने कहा मोर देन वन बॉय, या फिर दोस्तों मैं बात करता हूँ बॉयज, इज या आर प्रेजेंट, प्रेजेंट और हेयर। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर दे जल्दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर देन केवल डिग्री बढ़ाता है, तुलना करता है। अब तुलना किससे कर रहा है, ये वन से तुलना कर रहा है। ये यहाँ कुछ हो यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ पर तुलना वन से हो रही है। अब ये वहाँ वन से हो रही है, जब यहाँ वन है तो सिंगुलर नाउन आएगा और दोस्तों सिंगुलर की आएगी वर्ब। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर टू कर देता, अगर मैं यहाँ टू कर देता हूँ तो टू प्लूरल है, तो टू प्लूरल है तो यहाँ पर बॉय नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉय। जब बॉय जा जाएगा तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। अपने हिसाब से देख लेना, वन अगर वन आ रहा है तो सिंगुलर करना, अगर ज़्यादा आ रहा है तो प्लूरल करना। तो ये था हमारा मोर से संबंधित क्वेश्चन, और मोर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारी बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और दूसरी रही बात, इनके कुछ पीडीएफ हम अपलोड करेंगे, वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ अपलोड करके उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, हम आपके सामने वो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा, और यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर आपको उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी, और मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। इससे पहले जय हिंद, जय भारत।